मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री फूलचंद वर्मा का निधन 83 वर्ष की आयु में 16 नवंबर 2022 को बम्बई में हुआ। श्री जी तुकाराम गंगदार महाराष्ट्र के अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री तुकाराम खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण तथा कृषि संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री जी तुकाराम का निधन 69 वर्ष की आयु में 2 दिसंबर। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तस्वीरें दिखा रखे हैं और एक संदेश देने की कोशिश संसद से ये की जा रही है कि जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है हिंदुस्तान में, ऐसे में सभी को मास्क जरूर लगाना चाहिए सुरक्षा के लिए। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में दोनों ही दिग्गजों ने मास्क लगा रखा है क्योंकि चीन में जिस तरीके से कोरोना की भयावह स्थिति बनी हुई है उसके बाद अब भारत में भी पूरी तरीके से केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से की गई है जिसमें साफ तौर पे कहा कि एक बार फिर से तमाम प्रिकॉशंस को अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है क्योंकि BF.7 जिस तरीके से दस्तक दे रहा है उससे दिल्ली में एक मरीज की मौत हो चुकी है। ऐसे में किसी तरह की कोई लापरवाही बरतना अब जान से खाली नहीं होगा और इसी वजह से अब देखिए तमाम दिग्गज नेता और सांसद भी अब मास्क लगाकर ये बड़ा संदेश देते हुए संसद के भीतर के अंदर से। तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम भी आपसे इस बात की गुजारिश करते हैं कि जहां भी आप बाहर निकले जरूर मास्क लगा कर निकले क्योंकि एक बार फिर से भयावह स्थिति होती हुई जिस तरीके की चीन में नजर आ रही है वैसे ही ठीक हिंदुस्तान के अंदर भी अब 4 नए वेरिएंट जो है वो निकल कर सामने आए और जिस वजह से अब ये कोशिश की जा रही है कि लोग पीएम मोदी आज हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं कोरोना को लेकर के और वो हालात की समीक्षा करेंगे। दोपहर के वक्त पीएम मोदी ये बैठक करने वाले हैं तो सरकार कितनी अलर्ट मोड में है, केंद्र सरकार कितनी सतर्क है ये समझा जा सकता है। कल हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये मीटिंग की थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग और टेस्टिंग होगी। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड में है और पीएम मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारत में स्थिति ठीक है लेकिन जो संसद से तस्वीरें सामने आई जो अब से कुछ देर पहले हमने देखी उसमें मास्क लगाया हुआ था, तो ऐसे में सभापति ने जब मास्क लगाया है तो एक ये भी जरूरी है और लोगों को हम न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि मास्क जरूर लगाइए क्योंकि आपकी अपनी जिम्मेदारी है और अपना बचाव आपको खुद करना है। पीएम मोदी जो आज दोपहर को मीटिंग करने वाले हैं, इस मीटिंग के बाद क्या बातें निकल करके सामने आती है, किन गाइडलाइंस का पालन करना है वो तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन इस बैठक पर सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी तक रैपिड सैंपलिंग और टेस्टिंग शुरू नहीं हो पाई है।